Hello everyone, welcome back once again in the 24th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली मैंने ये जो सेट 1 सेट 2 या प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 इस तरह से हर चैप्टर्स का मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज बारी है एडजेक्टिव की और आज एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 2 पे हम लोग काम करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि उस प्रैक्टिस सेट 2 में मैंने कुछ अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहली फिल इन द ब्लैंक पहली क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दे शॉ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दे शॉ डैश एनिमल्स एट द जू। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मच, ऑप्शन बी मैनी, ऑप्शन सी ऑल एंड ऑप्शन डी शो मैनी। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। देन सिंपल सा बात है, मच का यूज तो अनकाउंटेबल टर्म में होती है, तो मच यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। एंड दे शो आप ये कहेंगे कि मैंने जू में मतलब बहुत सारे एनिमल्स को देखे, सारे एनिमल्स को शायद आपने नहीं देखा, यानी शो मैनी भी कोई सेंस नहीं है। तो आप ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी मैनी एनिमल्स। नॉर्मली ये याद रखेंगे, ये मैनी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ आता है। मच अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन मतलब सिंगुलर। अगर आप प्लूरल नाउन की बात करें तो वो ऑब्वियसली नाउन काउंटेबल होगा, और अगर नाउन काउंटेबल है तभी तो वो सिंगुलर प्लूरल होगा। लेकिन वो अनकाउंटेबल है तो ऑलरेडी वो एक ही फॉर्म में रहेगा, यानी एनिमल्स जो है यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। That is why हमें मैनी ऑप्शन में लेना पड़ेगा। ऑल मतलब सारे आपने नहीं देखे, जरूरी नहीं कि आप सारे एनिमल्स को देखे होंगे। एंड शो मैनी तो यहाँ सेंस ही नहीं लेंगे, क्लियर है, इसलिए मैनी का टर्म लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज रेनिंग डैश। फर्स्ट ऑप्शन हैवी, सेकेंड ऑप्शन हैवली, थर्ड ऑप्शन हैवियर एंड द लास्ट इज हैवीएस्ट। आप कहना चाह रहे हैं इट इज रेनिंग, तो बारिश हो रही है, और बारिश होने की क्रिया कैसी है? यहाँ पे हो सकता है कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, हम लोग बोलते हैं हैवी रेन हो रही है, हैवी रेन। बट चूंकि रेनिंग लिखा हुआ यानी वर्ब की फॉर्मेशन है, तो वर्ब के मॉडिफिकेशन में हम लोग एडजेक्टिव तो लेते नहीं है, इसलिए हैविली कहना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी रखना पड़ेगा आपको एज ए आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हैविली। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, मैं एक बात बता दूं, हैवियर एंड हैवीएस्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी एंड डी जो रखा हुआ है, हैवियर एंड हैवीएस्ट, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है एंड सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ये क्या नहीं रहा है कि आज की जो बारिश है पिछले दिनों के मुकाबले या फिर और आने वाले जो बारिश उसके पहले दिनों में हुई थी, इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, या बहुत दिनों के बारिश से भी कंपैरिजन नहीं है जो हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करें। इसलिए हमें यहाँ पे एडवर्ब टर्म को लेकर चलना पड़ेगा, इट इज रेनिंग हैवीली। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, the animals were much dash than grooms. Simple सा बात है, the animals were much का आप यूज कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको ये क्लियर किया कि much तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और दूसरी बात एक much जो है इसके साथ कंपैरेटिव फॉर्म आती है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है यंगेस्ट, ऑप्शन बी यंगर, ऑप्शन सी यंग एंड द ऑप्शन डी नन। तो सिंपल सा बात है, मच बेटर आप प्रयोग करते हैं, मच बेटर मतलब बेटर कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव, और मच के बाद आप कंपैरेटिव का फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी यंगर। क्लियर है? मच के जस्ट बाद कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश है ना, द डैश थिंग ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज रूड टू मी। सबसे बड़ी ये बात है, वो कह रहा है कि द डैश थिंग इज दैट ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज रूड टू मी। सिंपल चार ऑप्शन में से वर्स, वर्स्ट, बैडेस्ट एंड बैड। तो आप चूंकि द का यूज किए हैं और द के साथ बैडेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, द बैड आप यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज वर्स्ट, द वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लस सुपरलेटिव का पार्ट है और द प्लस सुपरलेटिव अगर आप यूज करते तो आप ऐसे लेंगे द वर्स्ट। द वर्स्ट यानी जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए द वर्स्ट का प्रयोग होगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, द वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हिज डैश नेचर इरिटेटेड मी वेरी मच, हिज डैश नेचर इरिटेटेड मी वेरी मच। तो समझिए इस बात को कि उसकी ऐसी नेचर होगी जिससे आप काफी इरिटेट हुए हैं, मतलब नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव सेंस है। चार ऑप्शन है, वुमनली, वुमेनिस, वुमेन लाइक एंड नन। तो आपको ये बात बता दूं, वुमन से ही ये कॉमन नाउन से 3 टर्म बने हैं। फर्स्ट इज वुमेन लाइक, वुमेनिस एंड वुमनली। तो याद रखेंगे ये जो वुमेन लाइक है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव। और वुमेनिस जो है वो नेगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो आप देख रहे क्वेश्चन में लिखा है इरिटेटेड बाय, इट मींस आप यहां पे नेगेटिव सेंस लेना चाह रहे हैं, इसलिए वुमेनिस शब्द का प्रयोग करेंगे, वुमेनिश, और वो यहां पे नेगेटिव अप्रोच लेकर के आया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वुमेनिस, ऑप्शन बी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ही डैश और हीनियस क्राइम। सिंपल सा बात है, उसने एक हीनियस क्राइम क्या किया? ऑकर्ड किया, कमिटेड किया, हैपेंड एंड डन। देन इफ यू आर डूइंग सम क्राइम, अगर आप क्राइम कर रहे हैं, एक्चुअली डूइंग शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो यानी डन नहीं होगा। हैपेंड वर्ड आएगी नहीं, अचानक या कोई घटना हो, दैट इज द हैपेंड। ऑकर्ड मतलब ऑकरेंस होती है, तो होगा ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम, यानी ऑप्शन सी, कमिटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप कमिट करते हैं कोई मिस्टेक, कोई फॉल्ट, क्राइम को कमिट करते हैं, सुसाइड कमिट होती है, ऑकर्ड एंड हैपेंड शब्द का प्रयोग नहीं होता इसके साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। सिंपल सा, जब आप क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक के पढ़ते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव की हो या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ब का हो, मैं डिपेंड करता है कि जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आंसर उसी में है, बस आप ढूंढने का प्रयास करें। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। तो द स्टूडेंट वेंट टू देयर डैश, अब चार ऑप्शन है, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखें तो एक ही तरह के शब्द हैं, और इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है रिस्पेक्टिव, नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्पेक्टेड, थर्ड ऑप्शन है रिस्पेक्टेबल एंड द लास्ट इज रिस्पेक्टफुल। तो रिस्पेक्टफुल क्लास, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। रिस्पेक्टेबल क्लास, वो तो पर्सन होना चाहिए, वो भी ऑप्शन गलत हो गया। रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं हम लोग, रिस्पेक्टेड एल्डर्स, यानी वहां पे भी ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन ए होगा रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टिव का मतलब ही होता है वन बाय वन, यानी अपना अपना क्लास गए, नहीं बोलते कि टेक योर रिस्पेक्टिव सीट, मतलब आप अपना आदरणीय सीट को ग्रहण करें, ऐसा नहीं है। टेक योर रिस्पेक्टिव सीट, दैट मीन्स अपनी अपनी स्थान ग्रहण करें। बात समझ में आया? तो रिस्पेक्टिव यहाँ पे पर्टिकुलर अपनी अपनी का सेंस, जैसे एवरी स्टूडेंट हैज रिस्पेक्टिव बुक्स, सभी का अपनी अपनी किताबें हैं, तो दैट इज द रिस्पेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। वी मस्ट डैश हेल्प to the homeless and physically disabled people। इस ऑप्शन, इस fill in the blank में आप क्या fill करेंगे? आपके पास ऑप्शन है give, donate, render and frugal। You have 4 options and among these options you need to take only one, give। जब आप support करते हैं, जब आप किसी को मदद करते हैं, then आप ये नहीं कह सकते I am giving you help, आई एम गिविंग यू हेल्प, ये आप नहीं कह सकते, वो ऑड सेक्शन माना जाएगा। और आपको पता होगा जब हम किसी को हेल्प करते हैं, जब किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग होता है रेंडर। ये शब्द प्रयोग होती है रेंडर। कोई हेल्प या सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प करना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना ना, रेंडर। इसी तरह से आप एग्जाम में कभी कभी ये वर्ड मिलेगा इम्पार्ट। इम्पार्ट, इस इम्पार्ट का मतलब होता है जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, एडुकेशन देना। आई एम गिविंग देम, आई एम गिविंग एडुकेशन टू देम, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा कि आई एम गिविंग एडुकेशन, होना चाहिए आई एम इम्पार्टिंग। तो एडुकेशन जब टीचर दे, तो टीचर जब एडुकेशन दे रहे हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे इम्पार्ट, और जब स्टूडेंट इस एडुकेशन को ले रहे हैं तब यहाँ पे आप कह सकते हैं गेन, एक्वायर नॉलेज। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आप एक्वायर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एडुकेशन लेने और देने का सेंस है, बट रेंडर सर्विस प्रोवाइड करने का सेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा रेंडर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्न शुड टेक स्ट्रिंगेंट, एक्चुअली द गवर्नमेंट शुड टेक, ये एग्जैक्ट वर्ड है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंगेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डैश डिजाइन। तो बताइए टेररिस्ट की जो डिजाइन होगी, वो टेररिस्ट क्या कर सकता? टेररिस्ट कोई एक प्रकार का ऐसा माइंड या ऐसा डिजाइन बर्बाद करने, डिवास्टेट करने का सेंस लेगा। तो कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंगेंट, सरकार को एक कठोर एक्शन लेनी चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए, किसके अगेंस्ट में? टेररिस्ट एंड फॉइल, उनके प्लान को, कहीं ना कहीं वैसी प्लान को खत्म करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है कंड्यूसिव, सेकेंड इज द बेनिवोलेंट, नेक्स्ट इज एग्जेम्पलरी एंड द लास्ट इज मैलिशियस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बेनिवोलेंट पॉजिटिव सेंस है, जैसे बेनिडिक्शन, बेनिफिट, ये पॉजिटिव सेंस है। और टेररिस्ट के आप उसके कोई प्लान को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आप एक नया या एक उसके प्रति अगेंस्ट जाकर के कोई काम करेंगे, तो बेनिवोलेंट तो शब्द ही नहीं होगा। कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभप्रद, विच गिव्स यू, विच प्रोवाइड्स यू प्रॉफिट, कंड्यूसिव रिजल्ट नहीं, या फिर वैसा टर्म जो कंड्यूसिव हो, जो आपके लिए काफी परिणामतः अच्छा हो, तो कंड्यूसिव वर्ड नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाम्पलरी, मतलब शानदार, तो टेररिस्ट के प्रति शानदार प्लान क्या, या फिर आप एग्जैक्ट वर्ड लेंगे मैलिशियस। मैलिशियस जो डिजाइन है टेररिस्ट का, उसको गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए। मैलिशियस नेगेटिव सेंस है। आपने सुना होगा बेनिडिक्शन, मतलब जब आपको आशीर्वाद मिलती है, ब्लेस मिलता है, और मैलेडिक्शन जब आपको कर्स मिलता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन मैलिशियस, ऑप्शन डी मैलिशियस। गॉट द पॉइंट? समझिए इस बात को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है he dash on paying the bill at the restaurant. He dash on paying the bill at the restaurant. आप लोग रेस्टोरेंट गए और उसने डैश किया ऑन पेइंग मतलब पे करने में, बिल को पे करने में रेस्टोरेंट में. तो समझिए he requested, ऑन पेइंग रिक्वेस्टेड के साथ ऑन प्रपोजिशन नहीं लगता, यानी ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन ए जो है वो वहां पे रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद इंसिस्टेड ऑफर्ड, बिल पे करने का ऑफर देते हैं क्या, तो ये ऑप्शन सी भी गया. सजेस्टेड, सजेशन की जरूरत नहीं है, आपने किसी को बिल पे करने का इंसिस्ट किया होगा कि आप बिल पे कर दीजिए, यानी ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इंसिस्टेड का मतलब होता है कि बार बार कहना कि आप बिल पे कर दो. नहीं, कोई काम करने के लिए हम किसी को इंसिस्ट करते हैं कि तुम यही करो या ये काम ही कर दो. इंसिस्ट करना, बार बार उन्हें इंसिस्ट करना, यानी बिल पे करने का रिक्वेस्ट नहीं किया आपने, इंसिस्ट किया. क्यों? क्योंकि बाद में प्रपोजिशन ऑन लगा हुआ है, तो ऐसे टर्म में आप रिक्वेस्ट ऑन नहीं होता, रिक्वेस्टेड फॉर है ना, या रिक्वेस्टेड टू, लेकिन ऑन लगी है इसलिए इंसिस्ट के साथ जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है सी ड्रेस्ड अप डैश एंड लुक डैश. सी ड्रेस्ड अप डैश एंड लुक डैश. यू हैव फोर ऑप्शंस, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल ब्यूटी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्यूटी ब्यूटीफुली. तो सिंपल सा बात है, जब आपने ड्रेस्ड अप किया तो ड्रेस कैसा पहना, किस तरह से पहना, तो बड़ा शानदार ढंग से, अच्छे ढंग से, यानी पहले ऑप्शन में तो एडवर्ब आएगा ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुली आएगा. तो किस किस ऑप्शन में पहला ब्यूटीफुली है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों कट गए, आपके पास बचे दो ऑप्शन. तो आंसर एलिमिनेट करके, जब आप एलिमिनेशन प्रोसेस से बनाते हैं तो आंसर के करीब पहुंचते हैं. यू हैव टू ऑप्शंस नाउ, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली एंड ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल. तो आप क्या लेंगे कि आपने ड्रेस्ड अप किया. क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आपने ड्रेस्ड अप किया, आपने अच्छे से पहना, तो दैट इज द ब्यूटीफुली, या अच्छा कपड़ा. ब्यूटीफुली एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आएगा, बट आपको मैं ये भी बताया हूं कि लुक, सी, सीम है ना, फील, इन शब्दों के साथ आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का नहीं करते. तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यानी सी ड्रेस्ड अप ब्यूटीफुली एंड लुक्ड ब्यूटीफुल, इसलिए आंसर बी लेंगे. अब आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का. सेंस समझ में आ गया कि उसने ड्रेस्ड अप किया अच्छे से एंड अच्छा दिख रहा. तो जैसे आई लुक सैड या सैडली, इफ यू से आई लुक सैड ऑब्लिक सैडली, कौन सा ऑप्शन लेंगे आप, तो कभी भी सैडली नहीं लेंगे, यहाँ पे सैड लेंगे. यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद आप हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग करते. ऐसे आपके पास कॉन्सेप्ट है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, बट कुछ ऐसे वर्ब्स है यानी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जिसके लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे. चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज आई कैन टेल दैट द लिटिल बॉय वाज डैश बिकॉज he looked at me डैश. इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप बना सकते हैं. आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको यह बता सकता हूं, द लिटिल बॉय वॉज डैश. अब लिटिल बॉय वॉज डैश और सभी ऑप्शन में सैड, सैडली, सैडली, सैडली रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि द लिटिल बॉय वॉज सैड, वह बंदा काफी सैड था, वो बच्चा काफी सैड था, एंड मेरे ऊपर है ना उदासी भरी निगाहों से देख रहा था. तो दैट इज द ही वाज वेरी सैड एंड लुक्ड एट मी सैडली, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 सैड, और इसके साथ आप सैडली वर्ड लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस बॉय का टर्म बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है. तो लिटिल बॉय वॉज सैड, वह लड़का बहुत ही सैड था, और अब वो मेरे ऊपर कैसा देखा, तो ही लुक्ड, अब लिखा एट मी, मेरे ऊपर नहीं दिख, मेरे ऊपर देखा है, तो जब एक्शन क्रिया होगी ना तो यहाँ पे आप एडवर्ब लेंगे और लिखेंगे सैडली. गॉट द पॉइंट। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक 12 क्लियर कर दिया, और इसमें मैंने कुछ एडजेक्टिव एंड वर्ब के कॉन्सेप्चुअली कि आप सेंटेंस पे कैसे पकड़ते हैं, जब आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल पे पकड़ होती है तो अच्छे ढंग से आप चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो या एरर्स हो, आप कोरिलेशन कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं और करेक्ट आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ द क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।